प्रयागराज जिले के विकास खंड कौंदियारा अंतर्गत ग्राम सभा बेलुआ में ग्राम प्रधान की दबंगई आई सामने। आज भी बेलुआ गांव विकास के नाम पर नील है। आपको बता दें कि बेलुआ गांव स्थित सरकारी विद्यालय के पास माता डिहारिन की बहुत प्राचीन मंदिर है, जो कि विद्यालय के पास है, लेकिन वहीं पर बन रहे आंगनबाड़ी केंद्र को सही मानक से नहीं बनाया जा रहा है। गांव वालों द्वारा आपत्ति जताने पर प्रधान द्वारा मंदिर का रास्ता बंद करने को लेकर ग्रामीण को दी जा रही धमकी। प्रधान जी विद्यालय परिषद का सहारा लेकर मंदिर के लिए रास्ता बंद करने को उतारू हो गए। प्रधान का कहना है कि मैं विद्यालय के चारों तरफ घेराबंदी करूंगा, मंदिर परिसर के लिए कोई रास्ता नहीं है। मीडिया कर्मी को प्रधान जी ने बाइट देने से किया इनकार और कहा जो कर सकते हो करो, मैं रास्ता बंद करके मानूंगा। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए कौंदियारा से आशीष द्विवेदी की खास रिपोर्ट। दोस्तों, मैं आशीष द्विवेदी प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से, मैं इस समय मौजूद हूँ कौंदियारा ब्लॉक अंतर्गत विकास खंड कौंदियारा अंतर्गत बेलुआ ग्राम सभा में। देख ले, ये जो मंदिर आप लोग देख रहे हैं, ये ग्राम में प्राचीन मंदिर डिहारिन माई के मंदिर के नाम से जानी जाती है, लेकिन ग्राम प्रधान बेलुआ धनी राम यादव जी के द्वारा एक रंजित बस, मतलब ग्रामीणों से रंजित बस इस मंदिर को बंद करने का उन्होंने फैसला ले लिया और वो चाहते हैं कि ये मंदिर पूरी तरीके से बंद हो जाए। मतलब स्कूल की बाउंड्री का सहारा लेकर के इसको चारों तरफ, मतलब मंदिर के चारों तरफ दीवार मतलब खिंचवाने के लिए नींव डलवा दिए हैं। और ग्रामवासियों ने जब मतलब वो इसका विरोध किया तो ग्राम प्रधान कहते हैं जो करना हो कर लीजिए, मैं मंदिर बंद करवा के ही मानूंगा। आइए गांव के लोगों से जानते हैं इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? बालानाथ यादव। ये मंदिर दादाजी कितने दिन से आते हैं? बहुत प्राचीन मंदिर। और जो मंदिर के सामने आने का रास्ता है, कैमरामैन ऐसे आ जाइए थोड़ा सा, जो ये मंदिर के सामने से आने का रास्ता है, ये रास्ता कितने दिन से मतलब आप जान रहे हैं या देख रहे हैं? अरे तो बहुत पुराना रास्ता है। तो इस रास्ते को जब प्रधान जी ने बंद करने का फैसला लिया तो क्या आपने प्रधान जी से कोई बात की? हाँ, मैंने अध्यापक से, जो मैडम थी, उनसे बात किया कि रास्ता खत्म करके आप बाउंड्री बनवा दी। तब प्रधान जी ने क्या कहा? प्रधान जी तो कह रहे हैं कि दो तीन हाथ छोड़ेंगे। हम कहा नहीं, कम से कम चार पहिया गाड़ी जा रहे हैं, कोई गलियारा मत छोड़ेंगे। आपका क्या नाम है? मूलचंद पाल। आज जी अपन ये बताएं कि प्रधान जी से आपने बात की कि भाई हम लोगों को रास्ता चाहिए? भाई यहाँ पे स्कूल के अधिकारी आए हुए थे, प्रधान जी सोते रहे थे, स्कूल के अधिकारी जो है वो कहे कि कहा थे रास्ता छोड़ के तभी बाउंड्री होनी चाहिए, उस पर मान लिए, लेकिन बाद में यहाँ से पूरा वहाँ तक न्यू घर में सटा दिए, रास्ता बिल्कुल बंद। अरे रास्ता जब से गांव बसा है, इस गांव का बुनियाद है, तब से ये रास्ता चालू है, आज नई रास्ता नहीं। मतलब प्रधान जी ने आपकी बातों को माना ही नहीं? क्या कहते हैं आपसे? हमसे कुछ नहीं कहे, लेकिन ये जब विरोध हुआ कुछ गांव के लोग, तो कहा थे अध्यापक स्कूल के कोई अधिकारी आए थे, अधिकारी ने कहा कि इसको कहा था रास्ता छोड़ के तभी बाउंड्री कराइए, प्रधान जी ने मान लिए, मैडम से कहा गया, मैडम कहें कि भाई संख्या तो कह रहे थे कितना छोड़ दो, और सुबह कह रहे पूरा उसमें सटा दो, तो अपन वहाँ तक बिल्कुल रास्ता जा रहे। मतलब प्रधान जी ने कहा कि रास्ता छोड़ दीजिए, बाद में प्रधान जी कहते हैं कि रास्ता बंद कर दीजिए। हाँ, आइए और ग्रामीणों जानते हैं। भैया आपका क्या नाम है? साइड में सोशल डिस्टेंस आप लोग मेंटेन करिए। क्या नाम बताएं? अखिलेश कुमार यादव। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मंदिर में? भैया ये रास्ता बोल रहे हैं, रास्ता नहीं देंगे प्रधान जी कहते हैं, मतलब रास्ता हम नहीं देंगे। हाँ, चाहे ये मंदिर कितने दिन से यहाँ पे? ये तो हम लोग जानते हैं, मतलब आप लोगों को बहुत मतलब प्राचीन से। और गांव के प्रधान जी से जब आप लोगों ने रास्ते के लिए बात किया तो प्रधान जी ने उस समय आप लोगों से क्या कहा? नहीं, रास्ता नहीं देंगे। कहना है मैं रास्ता नहीं दूंगा, मंदिर पीछे से रास्ता है। प्रधान जी का कहना है कि मंदिर में पीछे तरफ से लोग चढ़ जाए, आगे का रास्ता हम बंद करेंगे। चलिए आइए और देखते हैं गाँव के लोगों में क्या राय है। आपका कहना है? थोड़ा डिस्टेंस आप लोग मेंटेन करिए। अंकित पाल जी, अब हमें ये बताएं कि मंदिर के विषय में जब आप लोगों ने प्रधान जी से बात की तो उन लोग प्रधान जी ने क्या कहा? प्रधान जी सीधे कह रहे हैं कि मंदिर जो है पूरी बाउंड्री लेकर बनेगी, पूरी जमीन रास्ता किसी को नहीं दिया जाएगा, जबकि ये सरासर पूरा गलत है। प्रधान जी का कहना है कि रास्ता किसी को नहीं दिया जाएगा, आने के लिए मतलब प्रधान जी से आपने कहा कि हम लोग मंदिर में कैसे आएंगे रहेंगे? सीधी बात है, प्रधान जी सीधे बोलते हैं कि मंदिर सब पीछे तरफ से आए, अगर ये देखिए ये जो न्यू खाना है ये गलत है,
और इधर से इसको खाना आना चाहिए ना कि एकदम सीधे सटा के खाना देंगे तो पैसे जाएंगे लोग, पैसे चढ़ेंगे। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों प्याज एक्सप्रेस न्यूज़, जैसा कि मंदिर के जस्ट बगल में एक हाथ बगल में प्रधान जी ने इसको गलत तरीके से नींव डलवा के प्रधान जी का कहना है कि हम मंदिर परिसर को बंद कर देंगे। हाँ बंद है। अच्छा ये आप बताइए मतलब क्या कहना चाहेंगे? ये तो बोले हम बंद कराएंगे, बंद कराएंगे, मंदिर बंद करा के मानेंगे। हाँ बंद कराएंगे, जाइए कलेक्टर पास जाइए, आप कलेक्टर पास जाइए, मंदिर हम बंद कराएंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ आशीष द्विवेदी के साथ।